पोकेमोन क्लाइमेक्स जर्नीज एपिसोड 4 में तुम्हारा स्वागत है। अभी एक किस्म जो है प्रोफेसरों की लैब में है और टीवी देख रहा है, बिकॉज टीवी के ऊपर हर एक रीजन के जो क्वालिफाई किए हैं ना अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए, रीजन्स की टीम को बताया जाने वाला है। तो केंटो टीम हमको दिखाई जाती है और वो और कोई नहीं, हम सबको पता है एस ब्रूनो रिची और गेरी होने वाले हैं और इस टीम का कैप्टन ब्रूनो है, ये सबको पता है। लेकिन जोटो से कौन होगा और टीम हमको दिखाया जाता है, जोटो टीम में और कोई नहीं, लेंस जो है वो कैप्टन है और उसकी टीम के अंदर केसी है, मोटी है एंड चक है। भाई साहब केसी इतनी पावरफुल हो चुकी है, भाई बता रहा हूँ ये बंदी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर हमको दिखाई जाती है होविन पोकेमोन टीम, उसमें जो है स्टीवन होता है, मॉरिसन होता है, टाइसन और वेलेस होता है, ये सब तो सही है लेकिन वेलेस और स्टीवन एक ही टीम में कैसे, दोनों जानी दुश्मन है यार। फिर हमको सीनो टीम दिखाई जाती है जिसमें मेरी सिंथिया, तुम्हारा पोल, तुम्हारा टोबायस एंड मेरी डोन है। एंड भाई बता रहा हूँ सिंथिया एंड डोन का एक्शन देखने मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे टोबायस भी मौजूद है, पोल भी मौजूद है, तो ये टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाली है। एंड बता रहा हूँ सीनो टीम सब पे भारी पड़ने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है टीम को देखकर। फिर हमको एक ब्रेक दिखाया जाता है, बड़ा ब्रेक आ चुका है, तो ये बोलता है ब्रूनो से कि सीनो टीम से बच के रहना, लेकिन मैं सबको जानता हूँ मजा काफी आने वाला है। फिर ब्रेक खत्म होता है, हमको दिखाया जाता है इनोवा की टीम में भाई एल्डर है, आयरिस है, ट्रिप है एंड भाई सब साइलेंट भी है। एंड भाई इस टीम का कैप्टन आयरिस नहीं है, बिकॉज वो छोटी बच्ची है एज की तरह, डेट्स व्हाई इस टीम का जो कैप्टन है ना वो एल्डर होने वाला है। फिर हमको दिखाई जाती है केलोस की पोकेमोन टीम जिसमें डायन था दी केलोस चैंपियन, एलान दी लुमिनियस लीग चैंपियन बोल सकती हो, भाई ट्रेवलर है जो कि इतनी बुरी तरीके से हार गया था, इतना आगे कैसे आ गया, और यार दी मेगा एवोल्यूशन चैंपियन कोई ना भी है। तो केलोस की टीम भी काफी वाइड वेराइटी वाली लग रही है एंड हाँ ये भी भारी पड़ने वाली है, बता रहा हूँ मैं, बच के रहना रे बाबा बच के रहना। एंड देन एरोला की टीम को दिखाई जाती है, एरोला में भाई कुकुई है दी यार चैंपियन लेवल ट्रेनर और ग्लेडियन भी है रनर अप है ये एरोला चैंपियनशिप का। एंड भाई किवई है, लिली है, इसके फ्रेंड भी यहाँ पे मौजूद है। फिर हमको दिखाया जाता है गलार से जो टीम रिप्रेजेंट करने वाली है गलार रीजन को, उसमें लियोन ने, रायान ने, बिया है एंड होप है। ये नला कहाँ से आ गया भाई, बता रहा हूँ नेपोटिज्म, लियोन इसको जानबूझ करके लाया है, ये बस कच्चा नींबू है बता रहा हूँ मैं। तो सारी टीम हमको देखने को मिल चुकी है और यार सारी टीम के कैप्टन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार फिर से तो कैप्टन बता देता है, केंटो से ब्रूनो, जोटो से लेंस, होविन से स्टीवन, सिनो से सिंथिया, इनोवा से एल्डर, केलो से डायन था, एलोरा से कुकुई एंड गलार से लियोन। एंड कैप्टन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोई दूसरे ट्रेनर भी सबसे पावरफुल हो सकता है, कैप्टन मतलब सबसे पावरफुल नहीं, कैप्टन मतलब एक्सपीरियंस, लीडरशिप को लीड करने वाला। तो हाँ तो एस बोलता है इन सबसे लड़ने के लिए हमको एक अल्टीमेट टीम का यार बनाना होगा और हमें हमारे टीम वर्क पे काम करना होगा। तो एस चला जाता है अपनी सारी रीजन की टीम को एक एक बाई ट्रेनिंग करता है, केंटो के साथ, जोटो के साथ, होविन के साथ, जितनी भी टीम है सबके साथ ट्रेनिंग करता है। और एस बोलता है मैंने फैसला कर लिया है मुझे कौन से 6 पोकेमोन का यूज करना है, अब कौन से 6 पोकेमोन है तुम्हें पता चलने वाला है अगली वीडियो में, उसके लिए कर दो लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।